हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये वैकेंसी है CUTN रिक्रूटमेंट 2022, जिसे की 43 प्रोफेसर और लोअर डिविजन क्लर्क पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी दोस्तों, जबकि जॉब लोकेशन आपका थिरुवरूर तमिलनाडु रहेगा। अगर बात करें इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, यानी इसके लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए नई नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो प्रोफेसर के लिए 9 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है, हिंदी ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर के लिए 1-1 पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 3 पोस्ट है, जबकि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 1-1 पोस्ट है। अगर बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इनके लिए 5 पोस्ट है, वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 2 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, वहीं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है। अगर बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैडेट से क्लास 10th, 12th डिप्लोमा, डिग्री, बीएससी, बीई या बीटेक, एमएससी, मास्टर्स डिग्री, एमबीए, एमटीए, एमडीटीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एमपेड या एमपीई या फिर पीएचडी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए, तो कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 12 दिसंबर 2022 से पहले तक। अगर वहीं पोस्ट वाइज एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए, तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एज पर नॉर्म्स रखा गया है दोस्तों, जबकि हिंदी ऑफिसर के लिए जिन कैडेट्स की उम्र 40 वर्ष या उससे कम है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वही सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट की बात की जाए, तो इस पोस्ट के लिए जिन कैडेट्स की उम्र 35 वर्ष या उससे कम है, वो सारे कैडेट आवेदन कर पाएंगे। वही अगर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की बात की जाए, तो जिन कैडेट्स की उम्र 32 वर्ष या उससे कम है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जिन कैंडिडेट्स की उम्र 30 वर्ष या उससे कम है, वो इसके आवेदन कर सकेंगे। अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, वही पीडब्ल्यूडी या सीयूटीएन एम्प्लॉय कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देने होंगे 500 रुपए, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स को पे करेंगे 250 रुपए, जबकि पीडब्ल्यूडी और सीयूटीएन एम्प्लॉय कैंडिडेट्स को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी दोस्तों कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है। अगर बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा दोस्तों। अब अगर बात किया आप इस फॉर्म के लिए कैसे आवेदन कर पाओगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और जो भी आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगी गई है उनको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके, ये जो मैं एड्रेस आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस पर सेंड कर देना है। ये एड्रेस है दोस्तों द ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, नीलकुड़ी कैंपस, थिरुवरूर, 61005 तमिलनाडु। अगर आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करते हो दोस्तों, तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। अब अगर अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 7 दिसंबर 2022 तक चलेगी। वही लास्ट डेट हार्ड कॉपीज को सेंड करने की रखी गई है दोस्तों 19 दिसंबर 2022। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।